दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जिनके बारे में आप बिल्कुल बेखबर होते हैं। कुछ चीजें आप जानने के बाद भरोसा भी नहीं कर पाते कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। जी हाँ, कुछ इसी तरह की घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दुनिया में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ पिछले 10 सालों से कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ है। रह गए न हैरान। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पोलैंड के मेजेस के ओद्रे जेनिस के गांव में पिछले एक दशक से कोई भी लड़का पैदा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहां के मेयर ने यह घोषणा की है कि किसी के घर में अगर बेटा पैदा होता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। इस गांव के बारे में जानने के बाद साइंटिस्ट इस जगह की जांच करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जर्नलिस्ट ऑफ टेलीविजन के लोग इस पॉलिस गाँव की अजीबोगरीब आबादी के बारे में जवाब खोज रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस गांव में करीब 3000 लोगों की आबादी है। पोलिश मीडिया में इस गांव का मामला उस समय सामने आया जब अग्निशामकों के यूथ वॉलेंटियर के लिए एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता के दौरान पूरी की पूरी लड़कियां ही पहुंच गईं। उसके बाद मेयर क्रिस्टीना जेडियाक ने कहा, मेजेस के ओद्रे जेनिस की गाँव की स्थिति थोड़ी अजीबोगरीब और हाथ से निकल गई है। सीसेक कम्युनिटी के मेयर राजमुंद फ्रेंस्को ने बताया है कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह जांच करने में रुचि व्यक्त की है कि यहाँ केवल लड़कियों का जन्म क्यों हुआ है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के एक्सपर्ट डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है कि इस गांव में लड़के के जन्म के लिए क्या करना चाहिए। इस मामले में रिसर्च अभी जारी है।